भारत बनाम वेस्ट इंडीज का पहला T20 मैच ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने बल्लेबाजी करने उतरी ओपनिंग जोड़ी भारत को अच्छी शुरुआत तो दी, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक न सके। कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए सूर्य कुमार यादव 24 रन मात्र 16 गेंदों पर बनाकर अकील हुसैन के गेंद पर जेसन होल्डर को कैच थमा दी। माना जा रहा है कि ये टीम मैनेजमेंट का खराब निर्णय था, क्योंकि ओपनिंग के लिए काफी दावेदार मौजूद है। सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी कर अच्छे प्रदर्शन कर मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाते हैं। वैसे में उनसे ओपनिंग कराना आने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए एक खराब निर्णय माना जा रहा है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा अपनी कप्तानी पारी खेलकर 64 रन बनाए मात्र 44 गेंदों पर, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल है। वहीं भारत के मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। श्रेयस अय्यर ने 0, ऋषभ पंत ने 14 और हार्दिक पंड्या ने मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत के फिनिशर ने अपना काम बेखूबी निभाया। दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर मात्र 19 गेंदों पर 41 रन बनाए, जिसमें शानदार 2 छक्के और 4 चौके शामिल है। वहीं रविंद्र जडेजा ने 16 रन और रविचंद्र अश्विन ने 13 रन बनाए, जिसके मदद से भारत 190 का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम बल्लेबाजी करने आई कुछ खास प्रदर्शन का नजारा नहीं दिखा सके। ऐसा लग रहा था कि वो खेलने के लिए नहीं उतरे हो। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। भारत के गेंदबाजों के दांत देनी पड़ेगी। उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। भुवनेश्वर कुमार ने 1, अर्शदीप सिंह ने 2, जडेजा ने 1, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं रविचंद्र अश्विन ने शानदार वापसी कर 2 विकेट अपने नाम किए और वेस्ट इंडीज की टीम को 8 विकेट लेकर 122 में रोकने में सक्षम हुए और 68 रन से पहली जीत हासिल किया और सीरीज में 1 से बढ़ोतरी हासिल की है। दिनेश कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उम्मीद है रोहित शर्मा की कप्तानी में सारी मैच ऐसे ही जीतते रहे। धन्यवाद।